Hey guys, good morning and welcome back to the channel Riders. And so guys, आज हम लोग जा रहे हैं मनाली, अर्जेंटीना, टोक्यो, शिकागो, जूनागढ़ फोर्ट। तो जूनागढ़ फोर्ट तक हम लोग लिफ्ट लेते हैं, कॉल करेंगे। अभी मैं जिस जगह पे हूँ उसका नाम है पवनपुर कॉलोनी। पहुंच चुका हूं लादू सर सर्किल से बोलते हैं वहां पे, जो कि जूनागढ़ के बिल्कुल पास में है। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये है जूनागढ़ का किला, इसके अंदर अपन लोग चलने वाले हैं। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. सबसे पहले मेरे को यहाँ पे कुछ डिटेल्स मिली हैं। तो ये जो फाउंडर बीकानेर स्टेट के, वो हैं राव बिकाजी, जहाँ की जहाँ पे देख सकते हो इनकी तस्वीर यहाँ पे बनाई हुई है। और ये जब बीच में देख रहे हैं द लालगढ़ फोर्ट। अब चलते हैं अंदर की ओर, यानी कि यहाँ पे गाइड किया हुआ पूरा जो महल है इसका, इसके लिए ये देखो इस साइड में यहाँ पे एक बनाया हुआ दिशा निर्देश के महल देखने का रास्ता इस साइड से। तो ये जो आप सबसे पहले जो ये जगह देख रहे हैं इसे बोलते हैं विक्रम विलास, जिसके अंदर अभी हम लोग एंटर होने वाले थे। म्यूजियम की तरह इसको बनाया हुआ है विक्रम विलास को, और ये साइड में इसका कार्यालय ऑफिस है। अच्छा चल, हाँ उसी में आएगी है। तो तीन नंबर रूम में आते सबसे पहले हमारी शुरुआत हो रही है इच्छा हनुमान जी से। तो जय हो बजरंग बली की। उसके बाद में देखो यहाँ से ये तलवारें हथियार चालू हो गए भाई। और ये कुछ पुराने टाइम की पिक्चर्स हैं यहाँ पे। ये कुछ डांस कर रहे हैं। इस साइड में देख रहे हैं पूरा पूरा शिव गार्डन है। तो गज पैलेस में सबसे पहले एंटर होते ही हमें देखने को मिलता है कृष्ण जी का झूला, जो ये देख सकते हो। ये देखो इसको बोलते हैं श्री सूरत विलास। ये देखो कृष्ण जी को पुरानी पेंटिंग है। और मैंने आज खाना थोड़ा ज्यादा ही खा लिया था, तो अभी भुचकी आ रही है मेरे को। ये देखो ये यहाँ पे भी ऐसा ही बनाया हुआ है, अब ठीक है। ये देखो ये भी सारे बेडरूम ही बनाए हुए हैं। ये कुछ कांच है मुंह देखने के लिए, यदि कोई सुंदर सी कन्या हमारे साथ होती तो दोनों साथ में देख लेते। अकेले अकेले देख रहा हूँ। ये सरदार निवास है, यहाँ पे भी एक जोरोखा बनाया हुआ है। इसमें पूरा सब पूरा लाल ही लाल है, इसको लालगढ़ किले से बोलते हैं। तो ये पुराने को मंदिर वगैरह होते थे ना, जो इनविटेशन वगैरह होते थे, वो कार्ड जो है इसमें रखे हुए हैं पूरे। तो उस साइड से मैं इस साइड में आ चुका हूँ, सीधा ये सीढ़ियों से नीचे से आके फिर ऊपर। इस साइड में दो रूम बने हैं, पर ये दोनों रूम बंद है, 139 नंबर 140 नंबर। अब चलते हैं नीचे वापस। तेरे कंधे पे रखे बोले लामा में, ये वैसे ही बंदूक रखी हुई है यहाँ पे। ये बंदूक बोलते हैं भाई पबजी में, मैंने तो कभी ऐसे बंदूक देखे नहीं। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं इसे बोला था दरबार, और ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ देखो द ओल्ड इम्पीरियल सैंडवुड, क्या आगे पढ़ लेना देखो राठौड़ इम्पोर्स ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अभी जो आपने जगह देखी है पुराने टाइम की सभा हुआ करती थी, जहाँ पे दरबार लगता था चारों ओर में, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ था कन्नौज टू मारवाड़। तो कन्नौज टू मारवाड़ की जो सीमा थी, जो जगह थी, उसको यहाँ पे बैठ के उस पर ऑर्डर्स दी जाती है और उसको यहाँ से मैनेज किया जाता। और इसे भी मैंने पूरा घूम लिया, और इसमें भी सारे के सारे हथियार रखे हैं, उनको स्टोर करके रखा हुआ। अगले रूम में चलते हैं अब। और ये देखो यहाँ पे कुछ कांच के डिजाइन्स बनाई हुई हैं, और आजकल के मशीनों से भी बेटर इनको डिजाइन किया हुआ है। ये सब के सब देख सकते हो आर्किटेक्चर्स जो हैं, ये सब देखो इनके अंदर पिक्चर्स भी बनाई हुई हैं, सब के सब हाथों से ही डिजाइन की हुई हैं। पर ये देखो ये यहाँ पे पहले की कुछ पिक्चर्स लगाई हुई हैं, जिनमें देखो ये सेना चल रही है पूरी, और ये ग्रामीण लोग हैं जो लोग देख रहे हैं आसपास की, छतों से चढ़ के इनको। और ये कुछ सभा वगैरह का होगा। पब्लिक वॉचिंग द गोल्डन जुबल प्रोसेसिंग ऑफ द ईयर बिलो महाराज श्री गंगा सिंह बहादुर। तो ये महाराज श्री गंगा सिंह बहादुर हैं, जो 1937 में कुछ प्रोग्राम रखे होंगे, उसको ये लोग देख रहे हैं। तो अभी मैं जिस जगह पे आऊँ ये उस टाइम की ऑफिस हुआ करती थी, ये देख सकते हो। इसमें जो है पहले के अंग्रेज वगैरह थे, उनके सब के सब ये देख सकते हो जो कपड़े वगैरह थे वो सब रखे हुए हैं,
और ये सब चेयर्स वगैरह और जो भी आपको दिख रहे हैं ऑफिस में जो जो सारा सामान होता है, पहले के मोर वगैरह, बुक्स वगैरह और जो भी टेबल पे जो सामान रहता था, वो सारा का सारा सामान यहाँ पे स्टोर करके रखा गया है। और यहाँ पे भी यार कुछ जरूरत दिए हुए हैं, और इतना पुराना होने के बावजूद जो है इतना ठंडा है कि बिना पंखों के ये यहाँ पे इतना ठंडा अपना फील हो रहा है मेरे को। तो ये देखो यहाँ पे कुछ पालकी वगैरह रखी हुई है, पहले जो राजा या रानी जो होते थे वो इसके अंदर बैठे रहते थे, इनके जाते थे तब, और फिर उनको इन्हीं में वापस लेके आ जाता, तो दो चार लोग इनके आगे से इनको पकड़ के लेके जाते थे, इन्हें पालकी बोलते हैं। शुरू में मैंने जो आपको पालकी दिखाई वैसे ही यहाँ पे बहुत सारी पालकियाँ रखी हुई हैं। अब मैं इस पर कन्फर्म नहीं हूँ कि इन्हें पालकी ही बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, यहाँ पे लाइक संदूक टाइप में भी कुछ हो सकता है। इनके ऊपर वैसे पिक्चर्स बनाई हुई हैं जिसमें देख के आप समझ सकते हो कि ये किस लिए, किस यूज में, क्या क्या, किस टाइम पे काम आता था, कॉन्जेशन में क्या था, सारी डिटेल्स यहाँ पे एक तरीके से कमेंट बॉक्स बनाया हुआ है इन्होंने एक पेंटिंग के साथ में, सब कुछ डिटेल्स इन्होंने नीचे दे रखी हैं। अभी ये देख रहे हो ये सामने जो प्लेन है उस टाइम का वो, और ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कागज़ का हो, लग रहा है नकली प्लेन है पर ये असली प्लेन है। देखो ये उड़ती कैसे थी भाई, ये तो प्लास्टिक की लग रही है मेरे को, बीच में बारिश आ गई थी नीचे गिर जाती। ये उसी टाइम के प्लेन है देखो। तो इस रूम में कुछ हमारे पालकियाँ और प्लेन्स हो गई, अब नेक्स्ट रूम में चलते हैं। ये देखो ये जूनागढ़ फोर्ट की हैं पिक्चर्स, यह बाहर से ले सकते हो, आपको 30 रुपये में ये पोस्टर मिल जाते हैं जूनागढ़ फोर्ट के। और इस साइड में भी ये देखो बीकानेर फोर्ट है, ये भी सेल के लिए 15 रुपये का एक है। और ये कुछ पिक्चर्स हैं हमारे मारवाड़ के जो दादाजी हुआ करते थे उनकी, ये देखो, ये देखो कितनी अच्छे से की हुई पेंटिंग है। ये देखो कैमल ऊंट, तो ये कुछ शॉर्ट्स तो थे जूनागढ़ फोर्ट के गाइस। ये जो पुराना म्यूजियम है यानी कि जिसमें स्टोर रखा हुआ था वो है, और ये अभी चलेंगे हम प्राचीन म्यूजियम में, इसके अंदर जो इसी से सामान ले जाके सारा कुछ सामान जो इसमें रखे गया है, तो इसमें भी देखते हैं क्या क्या सामान रखा हुआ है। तो इसके लिए ना आपको अलग से टिकट लेना होता है, मेरे को वहाँ पे टिकट उन्होंने दिया नहीं था, मैंने पहले बोला नहीं, शायद से आपको बोलना होता तो टोटल टिकट जो आप वीडियो बनाते हो तो उसके साथ में आपको 350 रुपये जो है इसकी प्राइस पड़ती है दोनों टिकट्स की, यानी कि जो फोर्ट है उसका और ये जो प्राचीन म्यूजियम है इसका। तो सबसे पहले मैं इंट्रो थे यहाँ पे जो है कुछ पिक्चर्स मिलती है बट इनकी फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है, तो ये सब पेंटिंग्स यहाँ पे रखी हुई हैं, वैसे अपन इनके पास से जो है फ़ोटो खींच नहीं ले सकते। बीकानेर का शाही कमरा ये है, ये देखो ये धीरे धीरे यानी कि जो डेवलपमेंट हुई थी उस टाइम से, ये देखो ये कुछ सब के सब रेगुलर यूज में लेने वाले बोल सकते हैं आइटम्स हैं। ये देखो हाथी के दांत जैसे कुछ बनाए और ये शायद हाथी के दांत से बनाए हुए होंगे। ये देखो इसमें भी देखो ये चमचे वगैरह, यानी कि आजकल छोटे छोटे कप वगैरह नहीं चल गए वो सब कुछ देखो धीरे धीरे। ये कैमल है और ये कुछ लोग हैं और ये हाथी वगैरह ये सब है यहाँ पे। ये नक्काशी अलग होती है, वैसे चित्रशैली थोड़ी अलग होती है, पेंटिंग बहुत अच्छे से बनाई है, इसमें सब कुछ दिखाया हुआ, आप बारीकी से समझोगे तो आपको ये समझ में आएगी। यानी कि ये अकबर है और ये कुछ हैं जो इन पे तलवार लगी चढ़ गई हैं और फिर ये भीख मांग रहा है इनसे मौत की। और गाइस यहाँ पे देखो पूरा रियल व्यू लगाया हुआ है, देखो ये मूसक राजा हैं सारे थे उनकी तस्वीर यहाँ पे लगाई है, उस साइड में हिरण है। आगे इस गेट से जब हम एंटर होते हैं तो हमें ये बाग देखने को मिलता है कुछ, और धूप इतनी ज़्यादा है ना बाहर आती, इतनी गर्मी लग रही है भाई क्या पूछूं मैं, इसे बोलते हैं ये तो बाग ही है एक, कुछ नहीं बोलते हैं इसे। ये माता जी की फोटो है किसी न किसी माता जी की, ये राजस्थानी कल्चर है हमारा, ये साफे और कुछ चुनरियाँ वगैरह हैं अच्छी लेडीजों के लिए, ये सब के सब जो भी सामान आप देख रहे हो इन पे सब के सब पे ना बीकानेर का चिन्ह बनाया हुआ है, ये देख सकते हो आप। इसे टीवी वगैरह के साथ में होल बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और ये देखो यहाँ पे कुछ टाइल जो है टूट गई है इसको, ये देखो टाइल जो है अच्छे से नहीं लगाई गई है इस वजह से क्रेक हो गई है। ये देखो पुराने टाइम के घर बार, तो उस साइड से मैं इस साइड आ चुका हूँ, और ये देखो दोस्तों पानी का मटका, कुछ चेयर्स और ड्रेसिंग वगैरह, यानी कि टाइम के साथ साथ वो लोग पूरे परिवर्तन हो चुके थे और पूरे एकदम आधुनिक हो गए। ये एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी, रोखा बनाया हुआ है
पूरा लोहे की जालियों से बनाया हुआ, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। उसमें चलते हैं अभी हम। घोड़ों का काफ़ी ज़्यादा शौक था, क्या अच्छा, कितना मस्त घोड़ा है यार ये। दोस्तों इसमें थोड़ी लाइट कम है इसलिए ब्लिंक कर रही है, यहाँ पे कुछ लाइट्स वगैरह हैं पुराने टाइम की दोस्तों। और ये दीवारों पे आप देख सकते हो कितने अच्छे से पेंटिंग की हुई है। ये देखो ये सारी की सारी लाइटें, जैसे जैसे मैं बता रहा था कि जैसे जैसे बढ़ते गए डेवलपमेंट होती गई वैसे वैसे। और ये कुछ सीसी रखी हुई है दोस्तों यहाँ पे। थैंक यू सो मच भाई। गाइस भाई ने मेरे को 2 किलोमीटर की लिफ्ट दी है, ऑलरेडी मैं 2 से 3 किलोमीटर से पैदल पैदल आ चुका, मेरे पास फूल आ गया था।